सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार सांसद अजय भाटिया के साथ इंद्री के दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों का चुनाव में भारी समर्थन देने के लिए धन्यवाद दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 16 गांव में जाकर जनसभाएं कर सरकार की नीतियों की जानकारी जनता को दी। गांव भौंजी में पहुंचने पर सांसद व मंत्री महोदय का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर दोनों को फूल मालाएं व बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि आप लोगों ने इतना समर्थन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी की गोदी में 10 कमल खिलाकर मान दिया है, उसके लिए हम दोनों आपके एहसान मंद है। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय के साथ वह हल्के के लोगों की सलाह से जो भी हल्के की समस्याएं होंगी उन पर कार्य शुरू किया जाएगा। हल्के में कोई न कोई बड़ी परियोजना लाकर बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जाएगा। केंद्र की यमुना एक्सप्रेस स्कीम पर विचार विमर्श कर उनको शुरू करवाने का काम किया जाएगा। हमारे धन्यवादी दौरे के 16 गांव के अंदर कार्यक्रम है और हमारे जो अभी सांसद चुने गए संजय भाटिया जी, आज उनके साथ लोगों का धन्यवाद करने के लिए आज हमने कार्यक्रम बनाए हैं, क्योंकि लंबे समय से लोगों की एक ही जो है ना शिकायत रहती थी कि सांसद बनने के बाद जो है वो इलाके के अंदर नहीं आते, लोगों से मिलते नहीं। तो हमने वैसे संजय जी का भी यही एक मानना है कि आने वाले इसी महीने के अंदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर जाकर के लोगों का धन्यवाद कर दें, क्योंकि आगे फिर विधानसभा के चुनाव भी उनसे पहले पहले हम सब लोगों का एक बार धन्यवाद कर दें और उनकी जो मेन समस्याएँ हैं वो उनसे पूछ करके उन पर कोई काम करना शुरू कर दें। तो आज 16 गांव का धन्यवादी दौरा हमने बनाया है और अभी 2-4 दिन के अंदर फिर एक मंडल का कार्यक्रम रख करके इसी 15-20 गांव का कार्यक्रम बनाएंगे ताकि लोगों का धन्यवाद कर सकें जिन लोगों ने इतना भरपूर सहयोग दिया, इतना हमारा जो है ना मदद की है चुनाव के अंदर। और आपने देखा कि जिस समय चुनाव हो रहा था, जब हम वोट मांगने के लिए आते थे तो लोगों में कितना उत्साह होता था और पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि आप लोगों ने जो मुझे इतना समर्थन देकर कामयाब बनाया है उसका एहसान मैं और मेरा परिवार सारी उम्र नहीं उतार सकते। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उसकी जूती भी आपको पहना दूं तो मैं ये आपका कर्ज उतार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब मौका बातें करने का नहीं बल्कि काम करने का है। तो अच्छा ही कर रहे हैं, आपने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया तो अच्छा ही महसूस करना और धन्यवाद करना और उनसे फीडबैक लेना, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को समझना। मौके के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी गांव के कुछ सामूहिक कार्य के लिए लगाते हैं उसके ऊपर विचार करना, अगर तुरंत करने वाला है तो तुरंत करेंगे और जाकर ऑफिशियल कोई काम है तो उसको फॉलोअप करेंगे। ये मन में भाव लेके लोगों के बीच में आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव के समय में जब मैं आता था तो उत्साहपूर्ण माहौल था, आप सब तो हमेशा चुनाव में साथ रहे और मीडिया ने हमारा साथ भी बहुत दिया, तो आज मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे समाज का। प्राथमिकता जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं समाज की, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है चाहे हेल्थ। इंद्री से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।